दो दो सही जाना चाहूंगा देश की जीत जो वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म है पब्लिक ओपिनियन का, जिसमें कोई ऐसा बैरियर नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करें, क्या कहना चाहिए, कितनी जरूरत होती है किसी भी पार्टी को पब्लिक ओपिनियन की, और क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देख रहे हैं इस लॉन्च को? एक तो मुझे लगता है कि जैसे सोशल मीडिया ये एक माध्यम आया है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार हो सकते हैं, वो ऐसा इंडिविजुअल को विचार रखने का अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो सबसे इफेक्टिव प्लेटफॉर्म ये सोशल मीडिया ही है, जिसके तहत आम व्यक्ति एकदम दूर बैठा हुआ व्यक्ति भी अपनी बात पहुंचा सकता है, उसके अंदर का टैलेंट, उसके अंदर के विचार, इस देश के आम जनता के विचार ये ऊपर तक, बहुत ऊपर तक पहुंच सकते हैं, और ऊपर वालों के विचार नीचे तक पहुंच सकते हैं। ये जो अच्छा, इसमें से कई सारे नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं देखता हूँ ये देश एक संस्कारों का देश है, तो बहुत सारी बातों के अंदर पॉजिटिव बातें ये एकदम उभर के ऊपर आ जाती है, नेगेटिवनेस धीरे धीरे छट जाता है। एक हमारे मित्र ने जो वेबसाइट आज लॉन्च की है कि देश की जीत, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इस देश की आत्मा है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, रोम यूनान मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। दोस्तों, ये आत्मा है इस देश की। इस देश में हर व्यक्ति के संस्कार इतने जबरदस्त है, आपने देखा होगा कि ये देश बहुत पुरातन, बहुत प्राचीन देश है, और इतना प्राचीन देश में कई सारे युद्ध हुए, राजा जीतते थे, राजा हारते थे, लेकिन अल्टीमेटली देश और उसके संस्कार जिंदा रहे। मुझे लगता है ये परिपाटी हमारी बहुत पुरानी है, कई कई बार देश के नाते कई सारे राजाओं ने खुद ब खुद हार की स्वीकार की है, और कईयों ने लोगों को बुरी तरह हराया है, तो मुझे लगता है ये तो हमारा DNA है, हम देश के लिए जिंदा रहते हैं और देश के लिए मरते हैं। हमने आज़ादी का जज्बा भी इसी तरह से पाया, एकदम नौजवान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, स्वतंत्र वीर सावरकर, ये सारे लोग का तो इतिहास है हमारा, जो नौजवान बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के अच्छे क्वालिफाइड वो चाहते थे तो नौकरी करके और अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ के, उसको त्याग के, और उन्होंने देश को थामा, और देश के लिए मेरा रंग दे बसंती चोला ये कहते हुए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते उसको चूम करके वो फांसी के फंदे पर अपने आप को उन्होंने और शहीद कर लिया, कि आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उस तक हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि देश जिंदा रहना चाहिए। कई सारे देश में हमेशा पहले तो अलग व्यवस्था थी, लेकिन आज़ादी के बाद ये चुनाव के तहत ये सारी व्यवस्थाएं बदलती हैं, हमेशा ही व्यवस्थाएं बदली, कई सारे प्रधानमंत्री आए गए, कई सारे मुख्यमंत्री आए गए, अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच जीतते हैं, सरपंच हारते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो देश का मादा है आखिरकार वो ही जीतता है। देश किसी भी चीज़ से खुश नहीं होता है, लेकिन जब पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की जीत होती है तो हमारे विराट कोहली को और क्रिकेटर को वो ऐसा सर पे उठा लेता है कि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ही मैदान जीता है, मैंने ही जंग जीती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि देश की जीत, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कॉन्सेप्ट नौजवानों के बीच या जो भी इस सोशल मीडिया के ऊपर अपना कुछ भी समय देता है तो उसको वोट करने का अधिकार, बहुत सारी चीज़ों में तो हमको पता नहीं लगता है, आप देखते हैं आजकल तो वोट होता है तो जैसे ही अभी चुनाव आए नहीं आए वो हारने वाला EVM चिल्लाने लगता है, कोई कुछ बोलता है, अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये तो सच्चा प्लेटफॉर्म है, और इस तरह के सच्चे प्लेटफॉर्म से हमको भी देश की नब्ज मालूम पड़ती है, हमको भी नौजवान की नब्ज मालूम पड़ती है, इस देश का क्या व्यवस्था में कमियां हैं वो मालूम पड़ती है, क्योंकि इसमें आप वोट भी दे सकते हो और अपनी राय भी लिख सकते हो। तो मुझे लगता है बहुत सुंदर माध्यम है और इस सुंदर माध्यम को बहुत आगे तक चलना चाहिए, और इस देश की नब्ज अगर इस देश के शासक को नहीं पता लगेगी तो देश पता नहीं कहाँ चला जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया के आने के बावजूद भी और इस देश ने अच्छी चीज़ें उसमें से निकालने की कोशिश की है और बुरी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। सर, देश की जीत की अगर बात करें तो ये जरा पोस्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, मोदी जी और राहुल जी एक साथ नज़र आ रहे हैं,
क्या कुछ ये दर्शा रहा है इस आने वाले दिनों में, या लोकसभा 2019 की बात करें तो ये क्या दर्शा रहा है पोस्टर? ये तो वसीम भाई ने जो इस वक्त का करंट टॉपिक है बोली है कि इस वक्त जो आज टॉक ऑफ द टाउन जिसको बोलते हैं, वो आज मुझे लगता है कि मोदी जी और राहुल गांधी है, और देश को उसके बीच में से चॉइस करना है कि आपको किसको वोट देना है। एक और पारंपरिक रूप से बेटे का बेटा और उसके बेटे का बेटा, उसका राज आपको चाहिए या आपको देश में टैलेंट का राज चाहिए? एक और टैलेंटेड है, हो सकता है कि वो गरीब चाय वाला हो, और एक और अपने आप को सो कॉल्ड राजकुमार, वो अपना पैदाइशी धर्म इस देश के ऊपर शासन करने का लोगों को बता रहा है। एक और एक व्यक्ति देश को बचाने जा रहा है, और एक और पूरी पार्टी परिवार को बचाने में लगी है। तो ये इस चीज का फर्क दर्शाता है, और वो लोगों के बीच गए कि आप तय करो इसके अंदर कि आपको परिवार को बचाना है, आपको बहन भाई को बचाना है, आपको मम्मी जी को बचाना है, कि आपको एक गरीब जिसने टैलेंट करते हो, एकदम साधारण कार्यकर्ता। आप मोदी जी का हिस्ट्री देखिए, कितना साधारण परिवार में जन्म लिया, वहां से संघर्ष करते 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 यहां तक प्रधानमंत्री के बनने के बाद वो व्यक्ति ने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। 24/7 किसी व्यक्ति में ऐसी ऊर्जा हो सकती है, और वो हर मुद्दे को टच करते हैं। ऐसा नहीं, आप मन की बात अगर आप सुनेंगे तो जो भी करंट टॉपिक, अब इस मुंबई में वर्सोवा में बीच क्लीनिंग का वो अफरोज नाम का लड़का, वो बीच क्लीनिंग कर रहा है, ये बात मुंबई के किसी को भी पता नहीं लगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट से पता लगा कि अफरोज बीच क्लीनिंग कर रहा है, तब लोगों की आंखें खुली। तो एक ऐसा राजा जो कहीं दूर किसी जगह पे कोई छोटी सी एक एक्टिविटी कर रहा है, उसका कॉग्निजेंस ले रहा है और फिर रेसिप्रोकेट कर रहा है। कॉग्निजेंस लेना ही बड़ी बात नहीं है, मैंने आपकी बात सुन ली फिर मैं भूल गया, ऐसा नहीं है, लेकिन इस देश के हर वर्ग के ऊपर हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी मुझे देख रहे हैं। आप जैसे ही सोशल मीडिया का साइट ओपन करेंगे, तुरंत ही मोदी जी का आज वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, किससे चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा सत्र हो रहा है, उनके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनके मंत्री क्या कर रहे हैं, उनके संतरी क्या कर रहे हैं, उनके IAS अधिकारी क्या कर रहे हैं, एकदम ओपन जिसको बोलते हैं, पहली बार पारदर्शिता, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं तो छोड़ दो, स्कूल के छोटे से बच्चे को पूछेंगे ना आज मोदी जी कहाँ है, तो बच्चा आपको बता देगा। ऐसा क्रिस्टल क्लियर, वो भी इस बात का दावा नहीं करते कि मैंने 100% चीजों को ठीक कर लिया है, लेकिन कहा कि मेरे इंटेंशंस में कोई कमी नहीं है, मेरे इंटेंशंस में कोई खोट नहीं है। चीजें तो होती है, चीजें नहीं भी होती है, लेकिन मैंने इंटेंशनली कोई चीज को ना खराब करने की कोशिश की है, चीजों को मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, बाकी भगवान के ऊपर डिपेंड करता है और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा दो कैरेक्टर इस वक्त हमारी आंखों के सामने है। देश एक जबरदस्त हिस्टोरिकल और राजनीति को अपने आंखों के सामने से देख रहा है कि इस देश में वंशवाद जीतेगा, इस देश में पूरे देश भर के वंशवादी इकट्ठा हो गए, यानी जितने भी माँ बेटे सारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर, कहीं स्टालिन है, कहीं अखिलेश है, कहीं कोई है, कहीं कोई है, आप देखेंगे ऐसा पारिवारिक वर्सेस टैलेंट, गरीब घर से आया हुआ वो ऐसे लोग के बीच भिड़ंत हो रही है इस वक्त। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर एक चीज और एक इतिहास हम सभी लोग को देखने का मौका मिलेगा, और हम सब लोग उसके पार्टिसिपेंट हैं। एक और बात है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मूक दर्शक हैं, उसका निर्णय तो हमको करना है। तो ऐसे निर्णायक मोड में जिसमें हम खुद जज हैं, ये लोग इस चुनाव में डेमोक्रेसी का भी एक सुनहरे अक्षरों में इतिहास रचा जाएगा, और आपके और हमारा एफर्ट्स का परिणाम देखने को मिलेगा कि दोनों में से कौन जीतता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, ममता बनर्जी को कैसे देखते हैं? योगी जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया कलकत्ता में, क्या कुछ कहेंगे, क्या क्या दर्शाता है? नहीं, ये तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको अभिमान की चरम सीमा है, इसको मुख्यमंत्री पद इसको उठाना पीछे, ये जैसा ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल पीछे कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया, कहां घूम रहे हो, उस देश में इस देश का कानून कायदा नहीं चलेगा, जो ममता जी बोलेंगी वही कानून, यानी जिस केस के लिए, ये केस कोई आज का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में CBI काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, और ये जो कमिश्नर है राजीव कुमार,
जिसका काम था इस जो घोटाला हुआ है शारदा नारदा रोज वैली, इसके अंदर से तथ्य निकालना, तो उन्हीं तथ्यों को नष्ट कर रहा था। और सीबीआई ने इसके ऊपर 3 समन दिए कि आप यहां पर हाजिर होकर के आप अपनी बात रखिए, तो ये 3 बार नहीं गया। फिर ऊपरी अधिकारियों के आदेश से जब ये उसके यहां गए तो सारा पुलिस वर्सेस सीबीआई, स्टेट वर्सेस सेंट्रल एजेंसी, तो एक तरह से देखा जाए तो देश के संविधान के तहत काम करने वाली इस तरह की वॉच डॉग एक जो एजेंसी को इस तरह से स्टेट अगर करेगा, और वो ममता बनर्जी धरने पर बैठी तो उन 40 लाख इन्वेस्टरों के लिए नहीं बैठी, उस घोटाले के अंदर शामिल वो पुलिस का कमिश्नर उसके लिए वो धरने पर बैठी है। बड़े शर्म की बात है, इसका जितना विरोध होना चाहिए उतना कम है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि इस सरकार को, ममता की सरकार को 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सबसे ज्यादा पॉलिटिकल किलिंग अगर किसी प्रदेश में हो रही है तो वेस्ट बंगाल में हो रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो या तो पुलिस उसको तुरंत झूठे केस में पकड़ के बंद कर देगी, या तो अगले दिन उसकी लाश पाई जाएगी। इस प्रकार का शासन चलाना, एक तानाशाह, एक भयानक, लोगों के ऊपर 40 लाख लोगों का, इन्वेस्टरों का, जब सैकड़ों लोगों ने आत्महत्या की तब ये चीजों को उजागर हुआ कि बंगाल में इतनी आत्महत्या क्यों हो रही है। तो इन्वेस्टरों का जो प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है, जो गरीबों का प्रोटेक्शन नहीं करता है, और जो उनके ऊपर और आतंक फैलाने वाले लोगों का प्रोटेक्शन करने वाली है सरकार, तो मुझे लगता है ममता बनर्जी की सरकार को तुरंत ही बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए। और इस कमिश्नर को अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, तो इसके लिए उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन इस सरकार को तुरंत ही बर्खास्त करना चाहिए। वसीम भाई, अपने पर्चे से शुरू करिए, ठीक है, और नाम के साथ पूरा डेस्टिनेशन के साथ, हम लोग तो जानते हैं लेकिन दर्शक शायद नहीं जानते आपने, तो तू बैठेगा और ये देश की जीत क्या है उसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम वसीम खान है, मैं मुंबई भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ। मुझे लगता है सारी बातें तो हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनको हमारी बातें रखने का अधिकार होता है, उन्होंने रखी दी आपके सामने। लेकिन मैं देश की जीत में, किसकी जीत, जो वेबसाइट लॉन्च किया है, ऐसे सोच को, इन लोगों को मैं दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये एक अलग माध्यम है अपनी आज़ादी को दर्शाने का, अपनी आज़ादी को रखने का, अपनी बात रखने का, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। जिस तरह से 2014 में सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्रांति आई थी देश में, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी वापस 2019 के चुनाव में एक क्रांतिकारी की शुरुआत हुई है। इस वेबसाइट के माध्यम से बहुत अच्छा लोगों में मैसेज आएगा और लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार रहेगा। जी सर, सर आप बोलिए, आप कुछ कहें। ये चैनल लॉन्च हुआ है, ये बहुत बढ़िया बात है, और लोगों तक घर घर तक इनको पहुंचना चाहिए, स्टूडेंट सब जगह पर पहुंचना चाहिए। आज की सरकार जैसे चल रही है सबको पता, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे मुंबई के प्रवक्ता योगेश शर्मा जी ने बताया, सारी बातें तो उन्होंने कह ही दी है, कुछ बाकी तो नहीं है, लेकिन बस यही है कि बस इस चैनल के माध्यम से मोहन गिरजे अच्छी अच्छी बातें पहुँचे और सच्चाई पहुँचे, इस देश की सच्चाई पहुँचे। चलिए सर, चलिए सब बताइए, आज देश की जीत का, आज वेबसाइट लॉन्च हो रही है, उसके बारे में बताइए। सर चालू हो गया, लाइट देना, चलिए सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा मेरे मित्रों को जिन्होंने इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म लगा। पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मुझे लगता है एक भाग होगा इसका, इस प्लेटफॉर्म में भाग जो है देश की जीत, बात पॉलिटिक्स की जीत की नहीं, देश अलग अलग भागों में जीतता है, अलग अलग तरीके से जीतता है, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो सकता है, किसी चीज़ तो क्या एक आम आदमी की प्रक्रिया जानना और उसको व्यक्त करने का एक तरीका जो है अच्छा बैठता है। इट्स अ गुड प्लेस जहाँ पे एक इंटरेक्टिव सेशन हो सकता है, आगे तक बातें जा सकती है, लोगों को समझ में आएगा। और मान लो मुझे कोई अपनी बात कहनी नहीं तो
तो भी मैं प्लेटफॉर्म पे आकर के मुझे पता चल सकता है कि क्या रुक लिया जा रहा है। इट्स अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है कि बहुत आगे तक बढ़ेगा। सिर्फ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी पॉलिटिक्स हॉट टॉपिक हो सकता है, बट आई एम श्योर कि चार चीज़ें और आएंगी, वो भी आएंगी इसमें। मोदी जी ने हाल ही में काफ़ी सेलिब्रिटी से मुलाकात भी की दिल्ली में, क्या कहना चाहेंगे कि मोदी जी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कितने ज़्यादा यू नो कोऑपरेटिव हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कोऑपरेटिव है, वो दिख भी रहा है, बिकॉज हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो परेश जी कर ही रहे हैं वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। परेश जी भी हैं, किरण जी भी हैं, एंड काफ़ी रिप्रेजेंटेशन होता है, बातचीत होती है, और आज आज जी एस टी को लेकर के भी उन्होंने जी एस टी टिकट की एंट्रीज कम की हुई है, Do you agree post Modi came in power there's a divideation happen in Bollywood, दो धड़े में बढ़ गया Bollywood, एक supporter है, एक anti है। पर मुझे एक बात बताओ कि ये कब नहीं था, अब अभी कुछ ज़्यादा हो गया है। Some people have become more vocal now. Point is that you know there have been political alienations all along. Some people have been मेरे सर पे रख ऊपर रख। Congress, some have been BJP, somebody has been pro something else. Like Arvind Ji has got his representation within the industry also for a long time. As in, there's a lot of people who are also supporting him. But yet, you know what happens is in Bollywood, when we work together, political relations become secondary. The primary thing is always the talent that happens. So it doesn't matter. I mean, they can have their affiliations to whoever they want. Eventually, it is the trade that should benefit. Do you know, it started with accidental prime minister, then Hindu Sarkar, then Uri, glorifying Mr. what Narendra Modi have done, then we have accidental prime minister showing somebody in a bad light. Do you think it's a propaganda which is helped by Bollywood? There have been political films even before. I mean, you're talking about Bollywood. If you look at South, there but are so in many the current scenario, look at the number of the films. Fair enough. So, I mean, of the various kinds of films that are available, political, I mean, why not? They have their own opinion to say, and they are trying to portray their own opinion in their own way that they can. It doesn't matter. The cigarette factory globally, the tobacco cartel, did a surrogate advertising of their own when they started making films in Hollywood. They said, no, brand is not important, just show the protagonist or the antagonist smoking, doesn't matter. So subconsciously, the advertising of cigarettes started happening. That is their way of using the medium. Everybody uses their medium their own way. Some people make films in the way that they want to or they want to speak about it. They have their own way to do it, doesn't matter. There are other people also who are actually doing apolitical films. It's a strong medium, people are using it. सर व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इसकी जीत में, क्या प्लेटफॉर्म जो है ओपिनियन का कितना जरूरी होता है, क्या कहना चाहेंगे कि एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है ये, एक नौजवान के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। थोड़ा इधर बोलो ना सर, लोग क्या डिजिटल मार्केटिंग की वजह से काफी कुछ नया चलिए देश को मिलेगा, और जो मोदी जी ने 5 साल में काम किया है उसका एक पूरा क्लियरिटी सामने आएगा। तो क्या कहना चाहेंगे कि जो आज की परिस्थिति है कितना ज़्यादा आपको चेंज नज़र आ रहा है, मोदी जी गवर्नमेंट 4-5 साल हो गए हैं, कितना चेंज नज़र आ रहा है आपको? मोदी जी ने जो काम किया है वो पब्लिक में अब आ रहा है सामने, और करीब उनको और 5 साल चाहिए जिससे कि वो पूरा क्लियरिटी सामने आ सके पब्लिक। और लास्टली कहना चाहूँगा कि पब्लिक अपनी तो जरूरी है, साथ ही जो इंडिफरेंस होता है पार्टीज में वो कितना ज़्यादा इलॉजिकल नज़र आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर किसी का मकसद देश की भलाई करना होता है, तो क्या कहना चाहेंगे? वो देश की जीत के लिए इसीलिए इनका वसीम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये एक प्लेटफॉर्म लेके आए हैं और इसी से क्लियरिटी आएगी। थैंक यू सर। या रोलिंग स्टार्ट सर। दोस्तों तो सर जी नहीं देखे या सर। तो दोस्तों आज हम एक जंग की शुरुआत कर रहे हैं, और ये जंग ना तलवार की धार से होगी और ना बंदूक की नोक पे होगी। ये जंग हम लड़ेंगे एक ऐसे कलम से जो आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बना हुआ है, और वो है इंटरनेट। और इस जंग में ना हम जात की बात करेंगे, ना पात की बात करेंगे, इस जंग में ना हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, इस जंग में ना गरीब और अमीर की बात करेंगे, इस जंग में हम बात करेंगे सिर्फ अपने देश की जीत की। और जो भी देश को जिताने का काम कर रहा है हम उसके साथ खड़े हैं, और जो भी देश की जीत में अपनी टांग अड़ा रहा है उसको नीचे खींचने के लिए देश की जीत ने कसम खा रखी है। ये सब कुछ हम लोग करेंगे deshkijeet.com पे। अभी क्योंकि पॉलिटिकल सीजन है, देश में इलेक्शन आ रहा है,
और सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा, किसकी जीत में है देश की जीत, मोदी जी की जीत में देश की जीत है या फिर राहुल जी की जीत में देश की जीत है। सवाल ये है कि कौन देश के लिए अच्छा करेगा। ये प्लेटफॉर्म देश की जीत .com हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पर यूजर्स आएंगे और अपना वोट देंगे। दिस इज़ द मोस्ट बायस प्लेटफॉर्म। कोई चैनल मोदी जी की बात कर रहा है, कोई चैनल राहुल जी की बात कर रहा है, मगर देश की जीत .com सिर्फ बात करेगा देश की जीत की। और वोटिंग सबके सामने है, जो देश की जनता फैसला करेगी वो सबके सामने होगा। इसमें कोई एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सब आके वोट करके लोकसभा इलेक्शन से पहले ही सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपना मैसेज पहुँचाएंगे कि पूरा देश, देशवासी किसके साथ खड़े हैं और देशवासियों को क्या लगता है किसकी जीत में है देश की जीत। कोई भी इंडिविजुअल इस वेबसाइट पे एक ही बार वोट कर सकता है। वेबसाइट फुल्ली सिक्योर्ड, रिस्ट्रिक्टेड है। एक इंडिविजुअल मल्टीपल वोट्स नहीं कर सकता। सो वी कैन बी रेस्ट अश्योर्ड द वोटिंग इज नॉट बायस्ड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। इट्स ओनली अबाउट द विनिंग ऑफ द नेशन, क्योंकि देश की जीत हम सब की जीत है। तो देश की जीत शुरू करने का जो आइडिया था वो हम लोग ने तो शुरू किया है, ये वसीम भाई और हम लोग सारे लोग ने इंकिंग आइडिया में, जो हम सब एक साथ में काम करते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है इंकिंग आइडिया का जो कि हमने शुरू किया है देश की जीत। सो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी यूथ है, जो भी ये पॉलिटिकल जो भी इशूज़ हैं, पॉलिटिकल इशूज़ अगर वो शेयर करना चाहे तो भी वो हम ये प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकता है। और हमारे व्यू में यह है कि अगर हमारा सिस्टम और हमारे जो भी प्रोसेसेस हैं, गवर्नमेंट प्रोसेस होते हैं या जो भी सिस्टम्स हैं या एजुकेशन सिस्टम्स हैं, उसको अगर उसमें चेंजेस होता है तो जो भी सिस्टम प्रॉपर हो जाते हैं तो हम उसमें हमारे देश की जीत होगी। देखिए, जैसे इन सब ने बताया ऑब्वियसली कि देश की जीत का क्या लॉजिक है और क्या मतलब है। मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ कि देश की जीत सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि हम सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करेंगे। अगर लड़कियां हमारे इंडिया में सेफ नहीं हैं तब ऐसे देश की जीत नहीं होगी। तो ऐसे और भी कुछ मुद्दे होंगे जिस पर हम बात करेंगे कि देश की जीत कैसे होगी और अभी देश की जीत क्यों नहीं हो रही है। तो इसलिए हम सबने ये मिलकर ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है सो दैट कि हम सारे मुद्दों पर बात कर सकें। और सवाल यह है कि ये प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हमने एक दो दिन में तैयार करके खड़ा कर दिया है। सालों की मेहनत थी, बहुत साल से डोमेन बुक कर रखा था, बहुत साल से इस बारे में विचार किया जा रहा था, सही टाइम का इंतज़ार किया जा रहा था और आज ये वेबसाइट लॉन्च हुई है। और मेरी गुजारिश है हिंदुस्तान के हर उस इंसान से जिसके दिल में जो है वो देशभक्ति भरी है कि वो इस वेबसाइट पे आए और हमारा साथ दे और लोगों को बताए कि वाकई में कौन जो है वो देश को जिता रहा है, किसकी जीत में देश की जीत है। अगेन मैं कहना चाहूँगा, आप वेबसाइट पर जाइए www.deshkijeet.com, अपना वोट दीजिए। जिस तरीके से आप अपना वोट देते हैं इलेक्शन में उंगली के निशान लगा के, एक एक आदमी एक वोट दे सकता है, इसी तरीके से हमारी वेबसाइट पे भी सिर्फ एक आदमी एक वोट दे सकता है। और अगर किसी को वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी पे कोई शक हो वो हमारे एडमिन से कांटेक्ट कर सकता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल, दिस इज फॉर देश की जीत। हाँ है लेनी चल मर। बीच में सेंटर में रहिए। डन थोड़ा सा हाथ ऐसे ऊपर, हाँ इधर देखिए थोड़ा सा डाउन, वेरी गुड। लुक लुक सर,
और पीछे आओ, पीछे आओ वाइट लीडर। अभी अभी ऐसे ही मेरा बेसिक है, हमारा भी दुकान है। आवाज सही करके नहीं आई। हाउ द जज हाय सर, सर एक छोटी लॉट रात आ रहा है सर। मोहन मोहन एक माइक प्रभात, अरे भाई साहब सर आ रहा है, चलिए पीछे से आओ, आगे से कोई बताओ। ठीक है रेडी, रोल बोलो, चलो तुम शुरू करें। हां सवाल पूछना चाहूंगा, किसकी जीत में ये जो वेबसाइट लॉन्च हुआ है देश की जीत, क्या कहना चाहेंगे, कितना ज्यादा न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है जो भी उन्होंने काम किया है अपने अपनी तरफ से जब वो थे मतलब पावर में, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं, क्या विजन लेके जो ये वेबसाइट का लॉन्च हुआ, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेके। सबसे पहले तो मैं देश की जीत जो ये वेबसाइट लॉन्च हुआ है उसके लिए वसीम साहब को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया है ताकि लोग जा कर के अपना चॉइस वहाँ पर बता सके और लोगों को अपना राय रखने का उन्होंने एक मौका दिया है, इसलिए उनको बहुत मुबारकबाद। देखिए देश की जीत तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही है और मोदी जी की जीत में ही देश की जीत है। पिछले पौने पाँच सालों में, लगभग पाँच साल होने को आ गए हैं, मोदी जी ने जो काम किया है देश नहीं पूरी दुनिया में, भारत का नाम जो है उन्होंने रोशन किया है। हर देश में जाकर के उन्होंने, पहले जो हमारा सम्मान था धीरे धीरे कम होता जा रहा था, अगर आप विदेशों में गए हैं, ज़्यादातर मैं कहूँगा अगर गल्फ कंट्री में हम जाते थे तो पहले भारतवासियों को बहुत अलग नज़र से लोग देखते थे, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, सिर्फ गल्फ कंट्री नहीं बल्कि यूएस जैसी कंट्री भी मोदी जी को और इस देश को मानने लगा है, सैल्यूट करने लगा है, और वो दिन दूर नहीं है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन करके इस देश को दुनिया में नंबर वन बनाएंगे। ये जो लोगों का होता है कि पार्टी को सपोर्ट करना, कांग्रेस को या बीजेपी को या कोई अन पॉलिटिकल पार्टी है, इससे जरूरी है कि अच्छे कार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए कि लोगों का विजन कितना चेंज होना चाहिए, थॉट कितना चेंज होना चाहिए इस चीज को लेकर, कि जो भी कार करे, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उस कार को सपोर्ट करे, उस काम को सपोर्ट करे। नहीं देखिए, ऐसा है कि इस देश में यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि पॉलिटिकल पार्टी ही जो है वो आगे चल करके चुनाव लड़ती है और सत्ता में आती है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी का बहुत मायने रखता है और लोग उसको पसंद करना वो बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए जो लोग अच्छा काम करते हैं, जिस पार्टी की सोच अगर देश को लेकर के है, जिस पार्टी के नाम के साथ ही भारतीय जुड़ा हुआ है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो देश हित में काम करने वाली पार्टी है, तो इसलिए लोग पार्टी को पसंद करते हैं। और जो हाल ही में बजट आया है उसके में क्या कहना चाहेंगे सर, हर वर्ग को मतलब रिलीफ मिला है, या किसान वर्ग हो या मिडिल क्लास हो या जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, तो वो कितना आपको बेहतर नजर आ रहा है। नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में पिछले पाँच सालों में देश बहुत तरक्की किया है, डेवलपमेंट की ओर बहुत ही तेजी से गया है और पूरी दुनिया में भारत ने अपना एक अलग तरीके से पहचान बनाई है। ये बजट बहुत ही अच्छा है, इसमें किसान के लिए, गरीब के लिए, हर वर्ग के लिए मोदी जी ने ध्यान में रख करके ये बजट को दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर हम दोबारा, मोदी जी वैसे भी जीत करके आ रहे हैं लेकिन आने के बाद में और अच्छा जो है इस देश के लिए वो बजट पेश करेंगे। सर आखिर में देश हित माने रखता है, कुछ कुछ मुद्दे होते हैं जिसपे दो पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिफरेंस होता है, जैसे मान लीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मुद्दा होता है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना जरूरी है कि एक साथ मिलकर काम किया जाए देश हित में, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही हैं देश में। देश के मामले में फिर अलग अलग पार्टी नहीं होती, वहाँ हम सब भारतीय होते हैं, वहाँ सब हम हिंदुस्तानी होते हैं, इसलिए जब देश का मामला है तो सबको मिलजुल करके उसमें जो सरकार रहती है उसको मदद करनी चाहिए, उसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हमारे प्रवक्ता है मुंबई के योगेश वर्मा जी, उनसे भी सवाल करें वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। प्रियंका गांधी भी आ चुकी है मैदान में, लगता है कुछ फर्क पड़ेगा उससे। देखिए
ऐसा है कि सबको राजनीति करने का हक है और अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने सोचा कि चलो प्रियंका को ला करके ट्राई कर ले। राहुल जी तो पूरी तरीके से पिटे हुए हैं, तो प्रियंका को आगे करके कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी के सामने मैं कहूंगा कि इनकी कोई हैसियत और औकात ही नहीं है कि उनकी बराबरी करें। देखिए ढंका पीट रहे, पांच चुनाव पांच राज्य जीत चुकी है, अब देश जीतना बाकी है। ढंका पीट रहे हैं कांग्रेस वाले, पांच राज्य जीत चुके हैं। अभी आपके जो ये वेबसाइट लॉन्च है, दो दिन में ही आपको पता चल जाएगा कि देश कौन जीत रहा है और अगली सरकार किसकी बनेगी। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी वाले ही नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस का कोई नेता यहाँ पे मौजूद नहीं है, जबकि यहाँ पे दोनों को पोस्टर दिखाया गया। वो छुपाते भाग रहे हैं, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए वो आएंगे क्या और आपको सामने बात क्या करेंगे। हमने पांच सालों में काम किया है, देश के लिए काम किया है, लोगों के विकास के लिए काम किया है, इसलिए हम जनता के सामने जा रहे हैं, मीडिया के सामने जा रहे हैं, और हमारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, तो हमको मुंह छुपाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ पोस्टर पर दो नेताओं को दिखाया गया है, जबकि पीएम पोस्ट के लिए और भी कई नेता प्रबल दावेदार अपने को बता रहे हैं। मायावती जी हैं, ममता बनर्जी जी भी हैं, उस बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है देखिए ऐसा है कि देश की जनता तय करेगी कि पीएम का दावेदार कौन है और अगला पीएम कौन है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री बनने के लिए जो होड़ लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी हटा करके दरी बिछा देना चाहिए और सबको उस पे मौका देना चाहिए बैठने का। वर्मा जी, मेरा सवाल आपसे होगा, जैसे ईवीएम पे सवाल उठाया जा रहा है, तो कल को इस वेबसाइट पे भी सवाल विपक्ष उठा सकती है कि मोदी जी की वेबसाइट है, सारे भाजपा के लोगों ने ही लॉन्च किया है। अभी कांग्रेस के पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं, वो सीबीआई पे सवाल खड़ा करते हैं, और तो और वो मिलिट्री द्वारा किया गया सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है कि जिसका नेता ही मंद बुद्धि हो और जिसका नेता की कैटेगरी क्या है, यानी लोग एक और जिस जो सुबह से हंसता नहीं है वो एक ना एक वीडियो देख लेता है ऐसे नेता का, तो ऐसे नेता की जो पार्टी है, तो उसके दिमाग में इसी टाइप के सवाल आएंगे ना। कल तो आप कैमरा लेके खड़े हैं और यहाँ पर कोई कांग्रेस वाला आ जाता तो क्या बोलता, आपका कैमरा बताओ ये सच्चा है कि झूठा है। तो ये कोई बात है, ये इसको अब क्या बोलेंगे, इसको मंद बुद्धि बोलेंगे ना। हम लोग तो देखते रहते दिन भर व्हाट्सएप पे, तो इस किस्म के सवाल करने वाले को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये देश का चुनाव बहुत सीरियस विषय है, देश की आपके मेरी आने वाली पीढ़ियों के इससे हम सब बंधे हुए हैं, इतना सीरियस विषय है। आपके पास तो लोगों के बीच पहुंचने का माध्यम है, आप लोग सच्चाई और झूठ का आईना हो, और इस किस्म का झूठ और कैमरे के सामने भी चलने लग जाएगा तो उस वक्त ये देश कहाँ जाएगा। सबसे पहली देश की आंख अगर कोई है तो आप लोग हो, आप लोग सबसे पहले जज हो, क्योंकि आप हर वो इंसिडेंस हर वो चीज़ के साक्षी सबसे पहले आप हो। तो मुझे लगता है कि ये जैसा अभी इन्होंने कहा कि प्रियंका जी आ गई, तो ये देश के राजा राजकुमारों का है क्या? ये देश में टैलेंट बोलेगा ना, आप देखेंगे वो कितने टैलेंट के कार्यक्रम आते हैं शाम को, एक एक गरीब गरीब घरों से, इस देश के ऐसे ऐसे गांव से जिसका आपने मैंने नाम नहीं सुना, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, चार चार साल के बच्चे जब स्टेज पे आते हैं ना, बड़े बड़े स्टार खड़े हो जाते हैं, कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं। अब क्या बात करते हैं, ये देश टैलेंट का देश है, ये देश भगवान के आशीर्वाद का देश है। यहाँ पर हमने फकीरों की पूजा करते हैं, फकीरों की पूजा इसलिए नहीं करते कि वो फकीर है, इसलिए पूजा करते हैं कि उस फकीरत में भी एक टैलेंट है, वो देश को कुछ देना चाहता है। ऐसे टैलेंट के देश में इसकी बहन जी आ गई, इसका भाई आ गया, इसकी बुआ आ गई, इसका मामा आ गया, ये कितनी हम कितना सीरियस विषय को हम इसको स्पिन कर रहे हैं, जिसका नुकसान किसी और को नहीं होगा, जिसका नुकसान हमारे भारत देश को होगा, जो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इस बॉर्डर पे 20-20 साल के बच्चे -40 डिग्री में बंदूक लेकर के और एक आंख बंद करके टारगेट के ऊपर देख रहे हैं, क्या उनका बिजनेस है क्या इस देश को बचाने का? क्या हमारा कोई बिजनेस नहीं है इस देश को बचाने, क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्या हम लोग सीरियस नहीं है, क्या हम लोग मजाक कर रहे हैं, क्या उनकी जो शहादत है सिर्फ इस पे रोने के लिए हम बैठे हैं? जितना उनका फर्ज है ना,
उन बच्चों को बचाना यह हमारा फर्ज है। अच्छी सरकार आएगी तो उनके पास में अच्छे वेपन्स आएंगे, बुरी सरकार आएगी तो ऐसा मिग उन बच्चों के हाथों में दे देंगे कि देश के लिए जमीन से आसमान पे उड़ेंगे, लेकिन बगैर युद्ध के वहां विस्फोट का और गोला बन जाएंगे और बेचारा हमारा वो बच्चा शहीद हो जाएगा। ये बहुत सीरियस विषय है। ऐसे सीरियस विषय पे मुझे लगता है हर व्यक्ति इसमें सीरियसली इन्वॉल्व है और पूरा देश इसमें सीरियसली इन्वॉल्व है। एक और पूरे घोटाले और शैतानियत आपने देखा होगा अभी दो दिन पहले कि पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री बैठ गई उसके दरवाजे पर, और पुलिस कमिश्नर ने ऐसा कौन सा दांडी मार्च करके आया था जो एक मुख्यमंत्री बचाने बैठ गई। 40 लाख लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा, 40,000 करोड़ रुपए का इस देश का रिकॉर्ड सबसे बड़ा घोटाला, सारदा, नारदा, रोज वैली, इन सारे घोटालेबाजों को बचाने का काम जिस पुलिस कमिश्नर ने किया, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी हुई सीबीआई की टीम जब उससे जांच करने के लिए उसके यहां पहुंचती है, उसके यहां क्यों पहुंचती है, क्योंकि वो 3-3 समन देने के बावजूद सीबीआई के ऑफिस में नहीं आता है, और जब सीबीआई टीम उसके यहां पहुंचती है उसकी जांच करने के लिए तो सीबीआई की टीम को उठा करके पुलिस बंद कर देती है अपराधियों की तरह, और मुख्यमंत्री उस पुलिस, जहां मुख्यमंत्री को 40 लाख इन्वेस्टर्स के पैसे की रक्षा करनी चाहिए, वो इस घोटालेबाज की रक्षा करने के लिए बैठ जाती है, धरना देती है। ये भयानक 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 कांड है। आपको और मेरे को आंख खोल के बैठना पड़ेगा। आप सब लोग इतनी मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं, आने वाले दिनों में कहीं आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको पता लगेगा कि आपका पैसा डिफरेंट डिफरेंट रूट से मॉरिशस और दुबई चला गया, और आपने जिस फर्म में इन्वेस्ट किया वो सारा पैसा डूब गया। साहब, आत्महत्या, हजारों आत्महत्या हुई है वेस्ट बंगाल में। ये देश और राजनीति मुझे लगता है सबसे सीरियस विषय है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन सब चीजों में अगर कोई एक व्यक्ति इस सारे राजनीतिक मंथन से होकर के बाहर निकला है और जिसने फ्लाइंग कलर्स से अपने आप को प्रूव किया है, वो एक ही व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। और वो ही इस देश को के ऊपर, वो देश पे राज नहीं कर रहा है, लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। जब सोशल मीडिया पे कोई भी व्यक्ति मोदी जी के बारे में कुछ बोल देता है तो आप देखो उसके सामने क्या परिणाम निकलता है। उसको अपना ट्विटर और फेसबुक का अकाउंट बंद करना पड़ता है। आम जनता के दिलों पे राज करने वाला व्यक्ति इस देश पर राज करना चाहिए, क्योंकि जो पिछले दिनों तो कांग्रेसियों की खुशफहमी अभी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। ये तो कभी कभी ये सब हमारी सरकारें, 4-4, 5-5 बार की सरकारें थी, कभी कभी लोग उसको ट्विस्ट करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। आपने देखा होगा उसमें बहुत बड़े पैमाने पर नोटा की वजह से ये सारी कांग्रेस की सरकारें और बनी है, जो बहुत ही टेम्पररी है, और कुछ दिनों में आप देखेंगे ताश के पत्ते की तरह गिर जाएगी। सर, जानना चाहूंगा ये जो बताते हैं, क्या इनपुट देना चाहते हैं कि किस तरह से और सुधार हो बारे में? नहीं, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है लोगों को अपनी राय रखने का, और इस देश में क्योंकि हमको डेमोक्रेसी है अपनी बात रखने का, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए ताकि आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ इलेक्शन में लोग जाते नहीं है वोट मांगने, लोग वेबसाइट के माध्यम से उस कैंडिडेट के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर अपना वोट जा करके देते हैं। तो बहुत ही अच्छा पहल है, इसलिए मैं वसीम जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, थैंक यू। यानी मोदी जी का हमारा सपना ही है डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत का, उसी को आगे लेकर के जा रहे हैं वसीम भाई और उनकी पूरी टीम, इसलिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, मोदी जी की बात करें, लेआउट तो तैयार है उनका, और बहुत सारे ऐसे काम भी हुए हैं जिनकी तारीफ भी करनी चाहिए, जैसे स्वच्छ भारत। काला धन भी नहीं आया। मैं कहता हूँ जब तक वो 15 लाख नहीं आए तब तक आप मोदी जी को जिताते रहो। ये तो मैं फिर वापस वही बात कह रहा हूँ कि ये देश कहावतों का देश है, और हम कोई भी बात कहते हैं तो उसके साथ में इतने कहावत लगा लेते हैं, कभी हम किसी का एग्जाम्पल देते हैं, कभी किसी का एग्जाम्पल देते हैं, तो
तो इस किस्म का किसी एग्जांपल को पकड़ के इतने अच्छे किए हुए कामों के ऊपर अपन टीका टिप्पणी, मुझे लगता है एक वो विषय है, वो सिर्फ कांग्रेस जी तक के रहने तो उन्हीं को चाहिए वो 15 लाख। सर इसमें जीएसटी की बात करें, जीएसटी भी नोटबंदी काफी सारी बातें, हाँ ठीक है ना, जो भी देश के लिए जरूरी था आपको शायद बताओ, बैंकों में इस देश में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की एक्सेस करेंसी, जिसको पैरेलल करेंसी बोलते हैं, नकली नोट जाली नोट इस देश में घूम रहे थे, और ये पूरा का पूरा पैसा इस देश को तबाह बर्बाद करने के कामों में आता। सारे स्टेट्स के अंदर जितने भी छुपे हुए माओवादी हैं, नक्सलाइट्स हैं, छोटे छोटे ऐसे संगठन जो इस देश के लिए घातक हैं, ऐसे लोगों के पास इस पैसे को पहुंचने की पूरी संभावनाएं थी। आपको शायद पता होगा, ये तो मैं आपको फिर कहता हूँ कि जो हमारा मंदबुद्धि विपक्ष है उसके दिमाग की उपज है, मोदी जी ने जब यह फैसला लिया तो 8 नवंबर के दिन पहले तीनों सेनाओं को कॉन्फिडेंस में लिया, और तीन सेना के अंग ने मोदी जी को कहा यह करने के लिए। अगर किसी ने उस दिन को अगर ध्यान से देखा होगा तो एक और कैबिनेट के लोग सारे बैठे थे, उससे पहले इस देश के तीनों सेना के प्रमुख बैठे थे, उनके साथ चर्चा करके मोदी जी ने किया। तो मुझे लगता है कि सेना को जिस चीज में देश का हित लगा, क्या वो देश का अहित हो सकता है क्या? इस नोटबंदी की वजह से आपने देखा होगा कि पहले लोगों को आदत ही नहीं थी कि हम कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करें। देश की जब कोई इकोनॉमी चीजों को सेट करते हैं तो डेटा तो होना चाहिए कि कितने लोग बिजनेस में है, कितने लोग जॉब में है। इस तरह का बड़े पैमाने पर कैश का अगर सर्कुलेशन होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस देश में असली डेटा क्या है। अगर उस वक्त अगर लोगों को पसंद नहीं आता ना, तो इस देश में इतने बड़े पैमाने पर दंगे होते, लेकिन देखो एक भी किसी ने भी एक पत्थर भी नहीं फेंका। मैं तो आपको एक बहुत किस्सा, मुझे लगता है कि पत्थरबाजी रुक गई, कश्मीर की पत्थरबाजी रुक गई। मैं एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहता हूँ। जब ये नोटबंदी का चल रहा था और बैंकों के अंदर लाइन लग रही थी, भीड़ लग रही थी, तो मैंने ही एक ऐसी बैंक की शाखा के सामने एक चाय का और बिस्किट का स्टॉल लगाया, तो एक लड़की आई और उसके पिता को साथ में लेकर के, बहुत बहुत थोड़ी सी रोशनी उसकी एक आंख में रही होगी, और उसने कहा कि 4 दिन के बाद उस बच्ची की शादी थी, वो खुद बेचारी 10 साल से काम करके उसने अपने पैसे इकट्ठे करके बैंक में डाले थे, और वो पैसे वो निकाल नहीं पा रही थी, और कुछ ही दिनों के बाद शादी थी, और अपने बाप को ऐसे हाथ से पकड़ के वो यहाँ से वहाँ ले जा रही थी। तो उसने हमको कहा कि मुझे पैसे की जरूरत है, बहुत भाग दौड़ की हमने, लेकिन उस वक्त आपको पता है कि जो कुछ ही पैसा लोगों को मिल पा रहा था, तो किसी ने, एक जन ने उस लड़की को कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ। लड़की ने तुरंत उसको रोक दिया कि नहीं, मोदी जी ने जो किया है ये देश के हित में किया है। ये बात जो जो भी उस घटना के साक्षी हैं, हर व्यक्ति के दिल में थी कि ये बात होनी बहुत जरूरी है। हो सकता है मेरा कुछ नुकसान हो रहा हो, लेकिन इसमें यहां लिखा है ना, देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा कितना भी नुकसान, नेशन फर्स्ट, नेशन से बड़ा कोई भी नहीं है, ना मैं हूं, ना मेरी जात है, ना मेरा धर्म है। इस देश में अगर हमारा सबका कोई नेता है तो हमारा तिरंगा झंडा है, इसके सामने हम मरने मारने को भी तैयार है। तो दोस्तों ये सब चीजें जो भी देश के लिए जरूरी थी, तीनों सेनाओं के प्रमुख ने, आपको ऐसा लगता है अगर योजना ठीक नहीं होती तो उसको चलने देते क्या? एक मिनट भी चलने नहीं, तीनों की सहमति से ये योजना आगे बढ़ाई गई है। तो मुझे लगता है कि ये आपको बताना थोड़ा सा जरूरी था। वसीम भाई, मुझे लगता है 15 लाख बोलकर नहीं आए, लेकिन 15 लाख अमाउंट जो है अलग अलग रूप में हमारे देश में आ गए हैं, हमारे खातों में आ गए हैं अलग अलग माध्यम से, जो मोदी जी ने सारी योजनाओं के तहत हमारे साथियों को, हमारे गरीब लोगों को, हमारे लोगों के बीच में पहुंचा दिया है। तो आप 15 लाख उस रूप में भी देख सकते हैं कि वो 15 लाख अलग अलग रूप में हम तक पहुँच चुका है। ये जरा पोस्टर के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दें वसीम भाई, कैसे जहन में आया कि हाँ मुझे इस तरीके का काम करना है, देश की जीत जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में, पोस्टर के बारे में, और ये जहन में कैसे आया? जी थोड़ा कंफ्यूजन है, वसीम खान साहब बीजेपी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष है मुंबई के, और मैं इंकिंग आइडिया का सीईओ। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत दिन से चल रहा था, और क्योंकि इलेक्शन सिर पे थे तो ये डिसाइड करना था कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें देश की जीत हो। सो ये वेबसाइट लॉन्च की गई जिसमें हम ना धर्म की बात कर रहे हैं, ना जात की बात कर रहे हैं,
ना अमीर और गरीब की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं देश की जीत की। सो यही सोचते हुए ये वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है। और बाकी वसीम भाई से आप सवाल करें। आशु तिरखा जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या 15 लाख आए आपके खाते में या क्या ओपिनियन है आपका जी? ये बात आके अटकी, ये 15 लाख रुपए में मेरे लिए तो क्या है कि हम लोग ए पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं है। ये बात बोल सकता हूँ जो फिलहाल पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर ने साहब ने बोला है कि जो सिंगल विंडो उन्होंने किया है ओपन, जिससे जो आपको चीज़ें चाहिए शूटिंग करने के लिए वो एक सिंगल विंडो से सारी परमिशंस मिलेंगी, मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम लोग कितने धक्के और कितनी दिक्कतों के बाद हमको एक परमिशन मिलती शूट करने के लिए। तो मैं फिल्म की बात कर सकता हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री का बंदा हूँ। मुझे लगता है इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा असर करती है देश की जीत में। मुझे लगता है आम आदमी की जीत होना बहुत ज़रूरी है। पार्टी ए जीते, पार्टी बी जीते, लेकिन एक जो जब एक आदमी को लगता है कि हमारी जीत हुई, आम आदमी को लगता है हमारी जीत हुई या जो करा सकता है हमारी जीत, उस आदमी को आगे ला खड़ा करता है। तो बात यह है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बड़ी बन जाती हैं और उन बड़ी चीज़ों को हम लोगों को बाद में असर पता चलता है। मेरे हिसाब से तो बात 15 लाख रुपए की नहीं है, बात यह है कि हम लोगों ने और सारी चीज़ें जो देखी हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीत है। और हमारा बोलने का ये प्लेटफॉर्म जो है वो हमको कुछ जाहिर करने का प्लेटफॉर्म मिलता है, जहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज को समझ में आता है कि ये रुख ठीक हुआ है या यहाँ पे और सुधार चाहिए। ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है, मुझे लगता है एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होना बड़ा ज़रूरी है। आशु जी, एक और सवाल आपसे कि हाल ही में अभी मोदी जी ने खुद ट्वीट किया था और बहुत सारे बॉलीवुड के लोग गए थे मोदी जी से मिले थे, कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? हम तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि हमारी रिप्रेजेंटेशन इंडस्ट्री की जो है वो बहुत अच्छी होती है। मैं ये कहा कि हर इंडस्ट्री का एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो गवर्निंग बॉडी से होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे सरकार अगर पहल करती है किसी चीज़ को तो लाभ होता है, और अगर हमको लाभ होगा तो हर आदमी को लाभ होगा, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट बहुत होती है, हमारी इंडस्ट्री की वजह से टूरिज़्म बहुत बढ़ता है, लोग यहाँ पर आते हैं। तो अगर हर डिपार्टमेंट, हर इंडस्ट्री प्रोग्रेस करती है तो कंट्री का प्रोग्रेस होता है। इफ्तिकार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की जीत प्लेटफॉर्म, आपको आप कैसे देखते हैं इस प्लेटफॉर्म को? मैं वसीम नकवी और इंतशाब भाई और उनकी पूरी टीम को आज धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इन्होंने जो मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया का, और उन्होंने वही माध्यम जो हर युवा पीढ़ी आज इस्तेमाल करती है, किसी के हाथ में कुछ हो ना हो लेकिन मोबाइल ज़रूर होता है, और उस माध्यम से, उस प्लेटफॉर्म से इन्होंने ये आज यहाँ पे ये चीज़ रखी है कि हर आदमी, हर देश का युवा अपने अपने यहाँ पे राय दे सकता है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ वसीम नकवी साहब को और उनकी टीम को, थैंक यू। हैदर आजम, आखिरी सवाल चलते चलते, उनका एक बहुत फेमस डायलॉग है, कमल को नमन करो, कमल करे कल्याण, कमल सबकी रक्षा करे, कमल बड़ा बलवान, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कमल को लेके और आज का ये जो वेबसाइट लॉन्च हुआ उस पर जी? हैदर आजम जी, वेबसाइट के बारे में तो अभी इफ्तिकार साहब ने बता भी दिया, बाकी लोगों ने भी बोला। कमल के बारे में हमारे स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी हमेशा कहते थे कि लक्ष्मी जो भगवान है वो कमल पे बैठ के आती थी, हाथी पे बैठ के नहीं आती थी, साइकिल पे बैठ के नहीं आती थी या किसी और साधन पे नहीं आती थी, लक्ष्मी आती है तो कमल पे बैठ के आती है। तो आप चाहते हैं कि देश जो है तरक्की करे, देश कामयाबी की ओर जाए और देश का दुनिया में नाम रोशन हो, और आपके खाते में भी 15 लाख आए तो लक्ष्मी को कमल पे बिठा के लाइए, अगली सरकार मोदी जी की चुन के लाइए, तो 100% आपके खाते में 15 लाख भी आएंगे और देश भी तरक्की करेगा। धन्यवाद। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए।